Hello, my dear parents. How are you all? I hope you all are fine. So this is Sapir Ruksar here, and I welcome you all to my YouTube channel. So in this session, we are going to discuss a lot of things. As you all know, हम अपनी interview series को continue कर रहे हैं, and ये उसका lecture number 5 है, ठीक है? इस session में हम बहुत important कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं, such as payment and settlement system, negotiable instruments. चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये जो फंड ट्रांसफर के मेथड्स हैं NEFT, RTGS, IMPS, ECS, NACH क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होती हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड प्रॉमिसरी नोट. सो विल डिस्कस एंड लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे. लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर. सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट. सो वॉट इज पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट? Government passed Payment and Settlement Systems Act in 2007, okay, which came into effect on 12th August 2008, and it was mainly to regulate and supervise the payment and settlement systems, ताकि कि cashless transactions को हम promote कर सकें और इस तरीके से payment और settlement कर सकें, ठीक है? Payment Regulatory Board भी RBI ने बनाया हुआ है, और payment सेटलमेंट बेसिकली वर्ड, ये पेमेंट सेटलमेंट ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है? सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन का फुलफिलमेंट या उसका कॉन्क्लूजन इज नोन एज सेटलमेंट. सो इट इज कॉन्क्लूजन और फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ द पेमेंट इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड, एंड इसी के अंदर सिक्योरिटीज का सेटलमेंट, फॉरेन एक्सचेंज का सेटलमेंट, डेरिवेटिव्स और अदर ट्रांजैक्शन आते हैं, ठीक है? अब पेमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो चेक्स, DDs, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसमें RTGS और NEFT आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं चेक्स के बारे में. सो वॉट आर चेक्स? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस. ऐसे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चेक इज एन इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स इन पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस. बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ NI एक्ट, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ ट्रांसफरेबल साइंड डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो साइंड है और वो जो कि ट्रांसफरेबल है, विच प्रोमिसेस टू पे द बियरर अ सम ऑफ मनी एट अ फ्यूचर डेट और डिमांड, ठीक है? सो व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? अ ट्रांसफरेबल साइंड डॉक्यूमेंट दैट प्रोमिसेस टू पे द बियरर अ सम ऑफ मनी एट अ फ्यूचर डेट और डिमांड. सो चेक एक प्रकार से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है, विच हेल्प्स इन पेमेंट एंड सेटलमेंट प्रोसेस. इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ NI एक्ट. किस तरीके से डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर. अ बिल ऑफ एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन स्पेसिफिक बैंकर, मतलब एक स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर इसे ड्रॉ किया गया है, ठीक है? एक एक वर्ड हमें समझना है. चेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू, अगर हम इंटरव्यू के रिस्पेक्ट से देखें तो. सो चेक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड नॉट विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल. इसे हम पे नहीं कर सकते. नॉट एक्सप्रेस्ड टू बी पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, जब तक डिमांड नहीं किया गया है. अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ठीक है? सो चेक बेसिकली क्या होता है? एक ये ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसे एक स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया गया है और जिसे तब तक पेबल नहीं किया जाएगा जब तक डिमांड नहीं किया गया है. अब जब हम पार्टीज ऑफ चेक पढ़ेंगे ना, पार्टीज ऑफ चेक, तब आपको समझ में आएगा पार्टीज ऑफ चेक क्या होते हैं. ये जो डेफिनेशन था कॉम्प्लिकेटेड लगा, ओके, पार्टीज से सब कुछ क्लियर हो जाएगा.
इसमें एक ड्रॉई होता है, एक ड्रॉअर होता है और एक पेई होता है, ठीक है। ड्रॉई कौन होता है? ड्रॉई हमेशा एक बैंक होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ड्रॉई हमेशा एक बैंक होता है, ठीक है। ड्रॉअर कौन होता है? जो पर्सन ने उस चेक को साइन किया है, जिसने वो ड्रॉ किया है, मतलब जिसकी तरफ से वो चेक जा रहा है। अ पर्सन और अकाउंट होल्डर और एनी एंटिटी हु ड्रॉज द इंस्ट्रूमेंट और इशू द चेक, आप ऐसा कह सकते हैं। और पेई मतलब जिसको उसका पैसा मिलेगा, या हम कह सकते हैं बेनिफिशियरी, मतलब ये जो चेक है इसको जिसने इशू किया है, जो अकाउंट होल्डर है एक्चुअल में, जो कस्टमर है वो कौन है? ड्रॉअर है, ठीक है। ड्रॉई कौन है? वो बैंक जिसके पास ये चेक जाएगा और बैंक एक्चुअल में पे करेगा पैसा, और किसको पे करेगा? पेई को। तो एक्चुअल अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है? पेई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेक दिया है किसको? बी को, ठीक है। तो बी क्या करेगा? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जाएगा, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जाएगा, इस चेक को प्रेजेंट करेगा और यहां पर उसे एनकैश करा सकता है। या तो वो क्या कर सकता है, अगर यहां पर सेल्फ लिखा हुआ है तभी एनकैश करा सकता है, या तो वो क्या कर सकता है कि वो क्लियरिंग के लिए अपने ही बैंक में उस चेक को दे देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बैंक था यूबीआई, जिससे कि वो पैसा अल्टीमेटली निकलेगा, वो हमारा ड्रॉई है। इसलिए हमने क्या कहा कि ड्रॉई इज ऑलवेज अ बैंक। ड्रॉअर कौन हो गया? मिस्टर ए, जिसने पैसा दिया है, और बी जिसको पैसा मिलेगा अल्टीमेटली वो कौन है? पेई। तो आई होप आपको चेक्स और चेक्स की पार्टीज क्लियर होंगी, ठीक है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन के बाद अगर हम एक सिंपल डेफिनेशन की बात करें, तो सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है? चेक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इश्यूड, ओके। सो चेक इज अ डॉक्यूमेंट दैट ऑर्डर्स अ बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम अ पर्सन अकाउंट टू द पर्सन इन हुज नेम द चेक हैज बीन इशूड, ओके। आई होप क्लियर होगी चीजें, ठीक है। पार्टीज समझ लिया आपने, कौन कौन सी पार्टीज होती है? ड्रॉई, ड्रॉअर और पे, मैंने बहुत अच्छे समझा दिया क्या होता है। बियरर क्या होता है? बियरर वो होता है जिसने हाथ में उस चेक को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर एक चेक का अगर आप फॉर्मेट देखेंगे तो यहाँ पर पे डैश लिखा हुआ रहता है, तो अगर यहाँ पर और बियरर डैश के आगे और बियरर लिखा रहता है, यहाँ पर और ऑर्डर बियरर, ठीक है। तो अगर ये बियरर को ऐसे काटा नहीं गया है स्पेशली, तो द चेक इज ट्रीटेड एज बियरर चेक, द पेमेंट ऑफ विच मे बी मेड टू द नेम्ड पेई और एनी बियरर ऑफ द चेक। यहाँ पर जो भी लिखा होगा उसको वो अमाउंट जो है हम पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जिसका भी नाम लिखा होगा तो उस नाम वाले व्यक्ति को पे कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है और यहाँ पर बियरर को ऐसे काटा नहीं गया है और जो लेने के लिए आया है वो व्यक्ति वो सेल्फ नहीं है, ठीक है, वो सेल्फ नहीं है लेकिन ये बियरर को काटा नहीं गया है, तो हम बियरर समझेंगे कि ठीक है वो जो इंसान है जिसका एक्चुअल में ये अकाउंट है, जो ये चेक है, वो अपने किसी वर्कर को या किसी भी अपने फैमिली मेंबर को ये चेक लेकर बैंक में भेज दिया है और ये जो पैसा है वो अल्टीमेटली इसी इंसान को जाएगा। तो अगर बियरर इस केस में जो इंसान लेकर के आया है चेक को, उसे हम बियरर कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको बियरर का मतलब क्या होता है, एंडोर्सिंग का मतलब क्या होता है, एंडोर्सर का मतलब आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं क्रॉसिंग ऑफ चेक। क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग का मतलब ही होता है कि एक चेक है समझ लीजिए और इस पे इस तरीके की एक मार्किंग है, इसका मतलब होता है क्रॉसिंग। और क्रॉसिंग का मतलब है कि किसी भी हालत में वो एनकैश नहीं होना चाहिए, मतलब काउंटर पे पेएबल नहीं है, बिल्कुल आप इसे याद रखिए कि हम उसे काउंटर में एनकैश नहीं कर सकते। कैश काउंटर में उसे हम क्या करेंगे? इट कैन नॉट बी एनकैश्ड ऑन काउंटर, इट कैन बी एनकैश्ड ओनली विद एन अकाउंट। एंड क्रॉस चेक मतलब दो लाइंस ऑन द फेस ऑफ द चेक। क्रॉसिंग ऑफ चेक में एक होता है जनरल क्रॉसिंग, जो कि सेक्शन 123 में है,
ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और 124 में है स्पेशल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग मीन्स टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस ऑन द फेस विद और विदाउट वर्ड्स सच एज एंड कंपनी या नॉट नेगोशिएबल या पे इज अकाउंट ओनली. ये जरूरी नहीं है कि ये वर्ड्स लिखे ही रहें. दीज वर्ड्स विदाउट द लाइंस विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द क्रॉसिंग. याद रखिए ये सिर्फ वर्ड्स लिखा हुआ है, लाइन नहीं बना हुआ है, तो वो क्रॉसिंग नहीं होगी. तो आपको याद रखना है लाइन्स आर इम्पॉर्टेंट नॉट द वर्ड्स. सो इसे हम कहते हैं जनरल क्रॉसिंग. लेकिन स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है? द चेक बियर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ द बैंकर. यहाँ पर बैंकर का नाम लिखा हुआ होगा आइदर विथ और विदाउट द वर्ड्स नॉट निगोशिएबल. ठीक है, तो दीज आर पेबल टू द स्पेसिफाइड बैंकर जिसका नाम हमको चेक के ऊपर दिख रहा है. यहाँ पर नेम ऑफ द बैंक इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट द वर्ड्स और लाइन्स. तो याद रखना जनरल क्रॉसिंग उसमें लाइन्स इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशल क्रॉसिंग वहां पर नेम ऑफ द बैंक उन लाइन्स के साथ वो नेम ऑफ द बैंक इंपॉर्टेंट होता है. मतलब बैंकर का नेम भी ऐड किया जाता है जहां पर, उसे हम स्पेशल क्रॉसिंग कहते हैं. ठीक है, एक होता है अकाउंट पेई क्रॉसिंग. एनआई एक्ट इसको डिफाइन तो नहीं करता. ये अकाउंट पेई के बारे में कई बार पूछा जाता है. तो अकाउंट पेई क्रॉसिंग क्या होता है? अकाउंट पेई क्रॉसिंग इट इज द रिजल्ट ऑफ कस्टम यूज एंड प्रैक्टिस और लीगल डिसीजन. ठीक है, कहीं भी एनआई एक्ट उसको डिफाइन नहीं करता. बस उसमें ये रहता है कि एक डायरेक्शन रहता है कलेक्टिंग बैंक को कि मतलब इस पर्टिकुलर अकाउंट में ये पे होना चाहिए. ठीक है, इसे एंडोर्स नहीं कर सकते, ये भी आप याद रखना. तो अकाउंट पेई क्रॉसिंग को भी आप याद रखेंगे, जनरल क्रॉसिंग, स्पेशल क्रॉसिंग एंड अकाउंट पेई क्रॉसिंग. ठीक है, एक और होता है नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग. फिलहाल आप इतना डीप में मत जाइए, इतनी चीजों को याद रखिए. ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंडोर्समेंट. चेक के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए. एंडोर्सिंग मीन्स साइनिंग ऑन द फेस, या तो इधर या तो बैक साइड में साइन करना होता है ऑफ एन ऑफ द चेक और इवन ऑन अ पीस ऑफ पेपर कॉल्ड एलॉन्ज. मतलब उसके साथ या तो लगा भी सकते हैं, बट जनरली चेक के पीछे ये काम किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएटिंग द चेक. जो पर्सन साइन करता है उस पर्टिकुलर चेक को उसे कहते हैं एंडोर्सर, और जिसके फेवर में वो एंडोर्समेंट की गई है उसे कहते हैं एंडोर्सी. मतलब वो चेक को एक पर्सन दूसरे को ट्रांसफर कर देता है. ठीक है, फिर वो दूसरा इंसान लेने के लिए आएगा. मतलब इस चेक के पीछे उस एंडोर्सर का नाम लिखा हुआ रहेगा, एंडोर्सी का नाम लिखा हुआ रहेगा कि हमने ये चेक ट्रांसफर कर दिया है. अब जब ये इंसान आएगा लेने के लिए तब आपको इस इंसान को पे कर देना है. बट बात ये है प्रैक्टिकली जब इस टाइप की चीजें बैंक्स में होती हैं ना, तो बैंक ऐसे ही किसी को नहीं पे कर देता है. समझ लीजिए ये अकाउंट है मिस्टर ए का, लेकिन मिस्टर बी आए हैं, इसके पीछे भी मिस्टर बी का ही नाम लिखा हुआ है और कहा गया है कि इन्हें आप दे दीजिएगा. लेकिन फिर भी ये अगर बहुत हाई अमाउंट का चेक है तो एक बार हम ट्राई करते हैं अपनी तरफ से, हम डिलीजेंस वगैरह करने का. एक बार आप क्या कर सकते हैं, इन्हें कॉल कर सकते हैं. मतलब प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ जो बैंक्स में होती हैं एक्चुअली. एक बार कॉल करके कि अच्छा अच्छा मिस्टर ए, क्या आपने ऐसे मिस्टर बी को भेजा है क्या चेक लेने के लिए? तो वो कहेंगे हाँ मैंने उनको एंडोर्स कर दिया है, तो ठीक है हम उनको पे कर दे रहे हैं. तो इस तरीके का आप अपने तरफ से थोड़ा सा केयरफुलनेस दिखा सकते हैं. तो एंडोर्समेंट का मतलब वही होता है. ठीक है, अब एंडोर्समेंट के भी टाइप्स होते हैं, ब्लैंक एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट इन फुल, ये सब चीज़ें हमको अभी नहीं पढ़नी है. आपको वैलिडिटी याद रखनी है, चेक्स की वैलिडिटी पूछी जा सकती है, 3 months होती है. ठीक है, उसके बाद वो चेक जो होता है वो स्टेल हो जाता है. और ये याद रखना है कि जब भी कोई चेक प्रेजेंट करने आता है तो आगे के डेट का चेक नहीं होना चाहिए. जैसे आज समझ लीजिए कि आज 7 है, तो अगर कोई हमसे 9 का चेक लेकर आएगा तो हम उसे नहीं पे कर सकते. ठीक है, गलती से भी उसने अगर 9 लिख दिया है तो. ठीक है, जिसमें क्रॉसिंग नहीं होती उसे ओपन चेक कहते हैं, जिसमें क्रॉसिंग होती है उसे क्रॉस चेक कहते हैं. अब आपको पता होना चाहिए डिसऑनर ऑफ चेक या फिर बाउंसिंग ऑफ चेक क्या होता है. जब ऑनर नहीं हो पाता, एक चेक जो है ऑनर नहीं हो पाता है, किस केसेस में ऐसा होता है? जब उसके पास सफिशियंट या क्लियर बैलेंस नहीं होता है. ठीक है, जो सामने वाला है पर्सन जिसके अकाउंट से पैसे कटने थे उसके पास बैलेंस नहीं है. ठीक है, उस केस में होता है. या फिर उस केस में हो सकता है जब
कुछ अरेंजमेंट लिमिट्स होती हैं वो एक्सीड कर गई हूँ, इस टाइप का जो रीजंस है ना वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पर ये है कि पेई अकाउंट, पेई डज नॉट गेट हिज पेमेंट फॉर दीज रीजंस, अ चेक डज नॉट गेट पेड, इसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ चेक या बाउंसिंग ऑफ चेक। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने चेक के बारे में पढ़ा है, क्रॉसिंग के बारे में पढ़ा है, उसका जो वैलिडिटी होता है वो पढ़ा है, एंडोर्समेंट पढ़ा है एंड डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ा है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हम डिस्कस करेंगे अब डीडी के बारे में। तो डीडी क्या होता है, डीडी इज अ प्रीपेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वेर इन द ड्रॉई बैंक एक्ट्स एज अ गारंटर टू मेक पेमेंट इन फुल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज प्रेजेंटेड। डीडी कैन नॉट बी डिसऑनर्ड एज द अमाउंट इज पेड बिफोर हैंड। जिस तरीके से चेक होता है, चेक में बाद में डिसऑनर होने के भी चांसेस रहते हैं ना, कि अगर समझ लो चेक तो दे दिया मैंने, बहुत स्टाइल से 1 लाख का चेक दे दिया किसी पर्सन को, और जब वो इंसान जा रहा है बैंक में उससे ट्रांजैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसको यूज़ कर रहा है, उसको प्रेजेंट कर रहा है, तो उसको वो पैसे रियलाइज हुए ही नहीं क्योंकि उस अकाउंट, उस व्यक्ति के अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिए कि जब भी ऐसा डिसऑनर होता है ना तो पेनाल्टी भी लगती है। ठीक है, तो ये देखिए कि इस केस में एक जो है कंफर्मेशन नहीं रहती कि हमें अब हमारा पैसा मिल ही जाएगा, बट डीडी में ये कंफर्मेशन रहती है। ठीक है, डीडी में, क्योंकि वो प्रीपेड होता है, पहले से ही पेड रहता है। ठीक है, डीडी मतलब देखिए एक स्कूल है, उसने स्टूडेंट को बोला कि आप डीडी बनवा के लाइए, फीस के बदले, फीस को कैश में देने के बदले आप डीडी बनवा के लाइए। तो ये क्या है, ये बता देंगे कि आपको कौन से बैंक से बनवाना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि आपको यूनियन बैंक से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बना के लाना है। ठीक है, और इनका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, तो ये क्या करेगा, जाकर स्टेट बैंक से या तो कैश में, और या तो इनका खुद का भी अकाउंट होगा स्टेट बैंक में, तो दोनों टाइप से होता है। तो स्टेट बैंक में जाके ये डीडी बनवा लेंगे, और डीडी बनवाते वक्त कैश या तो इनके अकाउंट से पैसा कट जाएगा, जो भी फीस का पैसा समझ लीजिए 5000, वो इनके अकाउंट से काट लेगा बैंक, प्लस कुछ चार्जेस भी लगते हैं, एंड या तो कैश में देगा वो पूरा अमाउंट प्लस चार्जेस, और एक डीडी बना के देगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और जाकर ये इस जगह पर जमा कर देंगे। फिर जब इन्हें पैसे रियलाइज करने होंगे तब ये बैंक जो है डीडी का पेमेंट करवा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर यही व्यक्ति चेक देता, चेक तो दे देता बट बाद में अगर डिसऑनर हो जाता तो फिर आगे के प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए डीडीज वगैरह जो होती हैं इस टाइप के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा डिमांड की जाती है। बट यही है बात कि पे ऑर्डर क्या होता है। फिर पे ऑर्डर इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर स्टेटिंग एन ऑर्डर टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू अ स्पेसिफिक पर्सन विद इन द सेम सिटी। मतलब सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस ये आ रहा है कि अगर हम मुंबई के एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक डीडी बनवाएं, तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो उस डीडी को पेमेंट कलेक्ट कर सकता है उस डीडी से किसी और बैंक, किसी और सिटी में भी, जैसे वो जाकर दिल्ली में भी वहां से उसी बैंक के किसी और ब्रांच से पेमेंट निकलवा सकता है। डीडी में ये होता है, लेकिन पे ऑर्डर में क्या होता है, सेम सिटी या आप कह सकते हैं सेम ब्रांच इवन। ठीक है, तो पे ऑर्डर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेक पेमेंट विद इन द सेम सिटी, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट इज यूज टू ट्रांसफर मनी बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर पर्सन इन अ डिफरेंट सिटी। ठीक है, पे ऑर्डर जो है पहले ही उसमें लिख दिया रहता है नॉट नेगोशिएबल, मतलब ये इंसान किसी को भी नहीं दे सकता, ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट जो है वो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा क्या होता है, ट्रांसफरेबल साइन डॉक्यूमेंट, मतलब डिमांड ड्राफ्ट ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट जो है उन्हें डिफाइन किया गया है इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, सेक्शन 85 में, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, और पे ऑर्डर के क्लियरेंस में आप देखते हैं कि पे ऑर्डर टू बी क्लियर्ड इन एनी ब्रांच ऑफ द सेम सिटी, एक ही सिटी में, समझ लीजिए एक ही ब्रांच है तो उसी ब्रांच से करवाना पड़ेगा, और अगर 2-3 ब्रांचेस हैं तो उसी सिटी के किसी भी ब्रांच से करवा सकते हैं। लेकिन डीडी कैन बी क्लियर्ड एट द ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, मतलब किसी भी सिटी में, बस वो
ब्रांच होना चाहिए उस बैंक का, कहीं से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये है डिफरेंस डीडी और पे ऑर्डर में, बहुत कंफ्यूजिंग रहता है ये, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बोथ दीज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर अ सिक्योर मोड ऑफ पेमेंट टू द थर्ड पार्टी। मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस प्रेफर दीज इंस्ट्रूमेंट्स दैन चेक्स एज देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ बाउंसिंग ऑफ द सेम। जिस तरीके से हमने चेक्स में देखा था, इसमें बाउंसिंग का कोई भी चांस नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। डीडी में क्या होता है, पेमेंट सर्टेन होती है, और चेक में देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट। तो अगर आपसे चेक और डीडी में भी डिफरेंस पूछा जाए, तो मैंने इतना कुछ बता दिया है, इतनी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दी है कि आप इनफ आप डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है। एक तो सेक्शन का डिफरेंस, एक तो सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट का डिफरेंस, एक तो वो होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, सब कुछ आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। आपको ये याद होना चाहिए कि पेमेंट ऑर्डर, जैसे मैंने बोला कि वो नॉट निगोशिएबल होता है, नॉन निगोशिएबल उसके पहले से प्री प्रिंटेड रहता है, प्री प्रिंटेड विद द वर्ड नॉट निगोशिएबल, एंड देयर इज नो चांस ऑफ डिसऑनरिंग एज द अमाउंट इज प्री पेड। और पे ऑर्डर अगर एक बार इश्यू कर दिया गया तो उसकी वैलिडिटी 3 मंथ्स के लिए रहती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज NEFT, RTGS, IMPS, ECS and NACH। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो नेशन वाइड फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम के लिए हैं, ठीक है। नेशन वाइड फंड्स ट्रांसफ़र सिस्टम टू फैसिलिटेट द ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम एनी बैंक ब्रांच टू एनी अदर बैंक ब्रांच। मतलब यहाँ पर सेम बैंक की ज़रूरत नहीं है, एक व्यक्ति एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी ट्रांसफ़र कर सकता है चीज़ें, ठीक है, चीज़ें मतलब पैसे, ठीक है। देर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ सेंटर्स ऑफ एनी ज्योग्राफिकल एरिया इन साइड द कंट्री, एंड द इंडिविजुअल ब्रांचेस पार्टिसिपेटिंग इन नेफ्ट और RTGS कुड बी लोकेटेड एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पर नेफ्ट और RTGS बिल्कुल सिमिलर चीज़ें हैं, सिमिलर एक फंड ट्रांसफ़र का मेथड है, बस डिफरेंस यहाँ पर ये होता है, एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि नेफ्ट जो होता है वो नेट सेटलमेंट सिस्टम, इट वर्क्स ऑन नेट सेटलमेंट, अनलाइक RTGS विच वर्क्स ऑन ग्रॉस सेटलमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, और RTGS का क्या फुल फॉर्म है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो नेफ्ट जो है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन डेफर पेमेंट सिस्टम, मतलब ट्रांसफर्ड इन बैचेस। अगर हमने अभी दे दिया है नेफ्ट, हमने एंट्री कर दी है अपने साइड से, तो ये इस तरीके का आप समझिए कि आप कहीं पर जाते हैं खाना कुछ ऑर्डर करते हैं, ठीक है, और ये है दूसरा RTGS है और NEFT। मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ कि ये NEFT है, यहाँ पर आप कहते हैं कि हमें आप क्या दीजिए, हमें हम जो भी ऑर्डर देते हैं, समझ लीजिए चाय का ऑर्डर देते हैं, ठीक है, तो हमने जो भी ऑर्डर दिया चाय का, ये व्यक्ति बोलता है कि मैं आधे घंटे में 20 लोगों का एक साथ बनाता हूँ, तो आपको आधे घंटे वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आधे घंटे में 20 लोगों का तैयार करके फिर इसको क्लियर कर देता है, फिर ये 20 का क्लियर हो गया, फिर नेक्स्ट कुछ को पकड़ता है, फिर उनको आधे घंटे में क्लियर करता है। तो इसे क्या कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट सिस्टम, डेफर्ड मतलब हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसे कहते हैं NEFT। लेकिन अगर RTGS की बात करें, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की, तो वहां पर पेमेंट इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत होता है, ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट होता है, रियल टाइम में होता है। सो NEFT इज बेस्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट सिस्टम वेयर द मनी इज ट्रांसफर्ड इन बैचेस, एंड बेसिकली इट इज डन इन सेटलमेंट साइकिल। एक सेटलमेंट साइकिल होता है, यूजुअली 30 मिनट्स का होता है, ठीक है। और आप ये बोल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा, पूछा भी गया है मेंस के एग्जामिनेशन में, कि एक दिन में कितने बैचेस होते हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं 24 आवर्स हैं, तो हर आधे घंटे की अगर बात कर रहे हैं तो 48 जो है वो हमारे बैचेस होते हैं, ठीक है। मिनिमम फंड जो NEFT के थ्रू ट्रांसफर किया जा सकता है वो है नथिंग, जीरो नहीं बोल सकते, जीरो के लिए तो ट्रांसफर ही नहीं होगा, 1 रुपीज, ठीक है, 1 रुपीज भी आप NEFT कर सकते हैं, और मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट की बात करें, जहां पर हमें तुरंत अपना पैसा चाहिए होता है, वहां पर क्या होता है कि मिनिमम अमाउंट होता है कितना, 2 लाख,
ये मिनिमम अमाउंट है और मैक्सिमम फिर यहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है, समझ गए आप बात को। मतलब 2 लाख से ऊपर के सारे अमाउंट को हम NEFT भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं, लेकिन अगर 2 लाख से कम है तो वो सिर्फ NEFT होगा। सिर्फ इतना याद रखिएगा, 2 लाख से अगर कम है तो सिर्फ NEFT होगा, 2 लाख से ऊपर है तो हम NEFT भी कर सकते हैं, RTGS भी कर सकते हैं, एज पर डिमांडेड बाय द कस्टमर, वो जैसा लिख कर देता है चेक में। देखिए चेक इस तरीके का होता है, यहाँ पर चेक के पीछे NEFT का एक फॉर्म होता है बड़ा सा, ठीक है। तो चेक में यहाँ पर लिखा हुआ रहता है पे योर सेल्फ NEFT या पे योर सेल्फ RTGS, तो हमें उसी अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करनी होती है एज अ बैंकर, ठीक है। तो ये हो गया NEFT और RTGS के बारे में। NEFT दिसंबर 2019 से 24/7 कर दिया गया था और RTGS को भी 24/7 कर दिया गया है दिसंबर 2020 से, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं ECS के बारे में। ECS क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, बेसिकली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सैलरी, मतलब आप समझ रहे हैं, हाई वॉल्यूम और रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस के लिए, EMI वगैरह के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज को यूज़ किया जाता है। इसमें ऑटोमेटिक डेबिट, ऑटोमेटिक क्रेडिट होता है एंड यूजिंग द सर्विसेज ऑफ अ क्लियरिंग हाउस। इसमें क्या होता है, बल्क मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू मैनी अकाउंट या तो वाइस वर्सा, ठीक है। तो इस तरीके का जो सिस्टम है उसे हम ECS कहते हैं। बट आपको याद रखना है कि 2016 से ही NPCI ने लॉन्च किया है NACH, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये कुछ नहीं है, ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है, ECS का ही एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जिसे NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। एंड इसमें हाई वॉल्यूम रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस को किया जाता है, सैलरी, पेंशन, डिविडेंड, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम, ठीक है, जो हाई वॉल्यूम की ट्रांजैक्शन और रेपिटेटिव इन नेचर होती है, ठीक है। तो ECS और NACH हो गया। उसके बाद IMPS क्या होता है? IMPS आप बहुत करते होंगे अपने मोबाइल फोन्स के थ्रू, इमीडिएट पेमेंट सर्विस विच इज डन यूजिंग द मोबाइल फोन सर्विसेज एंड इट हैज आल्सो बीन क्रिएटेड बाय NPCI एंड इट गिव्स इट सर्विसेज 24/7। कभी भी आप फंड ट्रांसफर करते रहते हैं मोबाइल से, मिनिमम 1 रुपीज एंड मैक्सिमम जनरली डिपेंड करता है अलग अलग ऐप्स पे, अलग अलग जगहों पे, बट 2 लाख जो है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है। सो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज IMPS विच इज डन यूजिंग मोबाइल फोन सर्विसेज, यहाँ पर फंड ट्रांसफर होते हैं यूजिंग मोबाइल फोन सर्विसेज, मैक्सिमम जो होता है वो कितना होता है, 2 लाख होता है, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक क्लियर होगा, NEFT, RTGS, IMPS, ECS और NACH। अब हम देखते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ NI एक्ट। चेक किस में डिफाइंड था, कुछ याद आ रहा है? चेक वॉज डिफाइंड इन सेक्शन 6, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट किस में था? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, डिमांड ड्राफ्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 85 इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है। जनरल क्रॉसिंग 123, स्पेशल क्रॉसिंग 124। तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और एक और बात, अगर आपसे पूछा जाए डिसऑनर ऑफ चेक किस में होता है, तो वो सेक्शन 138 में होता है, ठीक है। डिसऑनर ऑफ चेक को कहाँ पे बताया गया है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग विच इज साइंड बाई द मेकर, जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब बहुत ही क्लियर शब्दों में अगर हम कहें तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, जो कि एक मेकर के द्वारा साइन की गई है, जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। एक ऑर्डर है, किस चीज़ का ऑर्डर है? जिसमें एक सर्टेन पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक सर्टेन पर्सन को, जैसे कि ए को, मिस्टर ए यू हैव टू पे, ठीक है। सो मिस्टर ए उसको डायरेक्ट किया जा रहा है टू पे सर्टेन सम ओनली टू द ऑर्डर ऑफ, मतलब या तो ओनली टू बी या तो ऑर्डर ऑफ बी, मतलब बी अगर किसी को कह रहा है कि इन्हें आप पे करें, या तो ऑर्डर ऑफ बी
और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और जो भी इस पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज को पकड़ा हुआ है अपने हाथ में, आप उसको पे करेंगे. ठीक है, ये क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. और चेक एक प्रकार का बिल ऑफ एक्सचेंज ही है. ठीक है, हमने पढ़ा हुआ था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक जो है वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ही है. ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, चेक इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड. जब आप ये कहते हैं तो आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा कि अच्छा बिल ऑफ एक्सचेंज, ओके बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज भी पता होना चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड. प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं, प्लास्टिक मनी अगर आपसे पूछा जाए तो प्लास्टिक मनी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को ही कहते हैं. ओके, सो बोथ द डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड आर दोज विच फैसिलिटेट अवर ट्रांजैक्शंस, बट डिफरेंस इनमें ये होता है, डिफरेंस ये है यहाँ पर कि डेबिट कार्ड डिडक्ट्स मनी डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर्स अकाउंट फॉर परचेज. ठीक है, हमारे पास हमारे अकाउंट में जो पैसा रहता है उसमें से मनी जाता है. ठीक है, डेबिट कार्ड अलाउज यू टू स्पेंड मनी बाय ड्रॉइंग ऑन फंड्स यू हैव डिपॉजिटेड एट द बैंक, जो आपके बैंक में आपने पैसे जमा किए हैं. लेकिन वहीं पर क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड अलाउज यू टू बोरो मनी फ्रॉम द कार्ड इशूअर, मतलब हमने हमारे बैंक से, हमारे कार्ड को तो हमारे बैंक ने इशू किया है, तो उसमें से हम बोरो मनी, हम मनी को बोरो कर रहे हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट इन ऑर्डर टू परचेज आइटम्स या तो कैश विदड्रॉ करने के लिए. सो क्रेडिट कार्ड इज अ पेमेंट कार्ड विच इज इशूड टू यूजर्स बेस्ड ऑन कार्ड होल्डर्स प्रॉमिस टू पे बैक द अमाउंट एंड प्लस द अदर चार्जेस. जो चार्जेस है ज़्यादा लगते हैं इस पे क्रेडिट कार्ड के यूसेज पे, तो हमें एक प्रॉमिस, विच इज दिस कार्ड इज बेस्ड ऑन द प्रॉमिस ऑफ द कार्ड होल्डर टू पे बैक द अमाउंट एंड प्लस द अदर चार्जेस. हर महीने एक ड्यू डेट को हमें पे करना होता है. ठीक है, तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड को मिलाकर प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है और दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. लास्टली हमारा एक टॉपिक रह गया है, वो है प्रोमिसरी नोट. प्रोमिसरी नोट क्या होता है, वॉट इज प्रोमिसरी नोट, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अ रिटन प्रोमिस बाई वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी. अभी हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, वो क्या था, उसमें भी पैसे की बात हो रही थी लेकिन उसमें एक ऑर्डर था, यहां पर एक प्रॉमिस है. समझ में आ रहा है, अगर ए ने पैसा दिया है बी को, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ए ऑर्डर कर सकता है बी को कि मुझे इतने पैसे वापस करो, लेकिन बी जो है वो एक प्रॉमिसरी नोट दे सकता है. डिफरेंस इतना ही है कि अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज है तो वो ए ने बनाया है इस केस में, और अगर प्रॉमिसरी नोट है तो वो बी बना रहा है. ठीक है, सो व्हाट इज प्रॉमिसरी नोट, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स अ रिटन प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू पे अनदर पार्टी अ डेफिनेट सम ऑफ मनी, या तो डिमांड में या तो एक स्पेशल फ्यूचर डेट में, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट में. अ प्रॉमिसरी नोट टिपिकली कंटेन्स ऑल द टर्म्स पर्टेनिंग टू द इनडेप्टनेस, मतलब ये जो बोरोइंग हुई है उससे रिलेटेड सारे टर्म्स उसमें होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, मैच्योरिटी डेट, डेट एंड प्लेस ऑफ द इशुएंस, इशुअर्स सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें रहती है. एक सैम्पल प्रॉमिसरी नोट अगर आप देखें तो कुछ ऐसा है, जहाँ पर देखिए प्लेस ऑफ रेसिडेंस, डेट लिखा हुआ है आई, मतलब जो बना रहा है, जो प्रॉमिस कर रहा है, आई एग्री टू प्रॉमिस एंड पे इस इंसान को, और ऑर्डर द सम ऑफ इतना रुपीस, यहाँ पर यूरोज लिखा हुआ उसको आप हटाइए, फॉर वैल्यू रिसीव्ड विद इंटरेस्ट एट द एनुअल रेट ऑफ इतना पेबल ऑन इतना, इस डेट को हम दे देंगे, और यहाँ पर प्रॉमिस करने वाले या मेकर का सिग्नेचर. तो ये एक सैम्पल प्रॉमिसरी नोट है. आई होप आपको ये सारी टॉपिक्स जो भी हमने डिस्कस की, ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से क्लियर होगा. पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, NEFT, RTGS, बिल ऑफ एक्सचेंज, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रॉमिसरी नोट, एक भी डाउट नहीं बचा होगा आई होप. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ करंट अफेयर्स. ठीक है,
आरबीआई ने अभी अभी कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए हैं, उनके नेम्स आप याद रखिएगा, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ भी चुके होंगे बट अब उसको रिवाइज करिए। वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक उस्मानाबाद महाराष्ट्र, मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा, ठीक है, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक मुंबई, सुभद्रा एरिया लोकल बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र, कराद जनता सहकारी बैंक कराद महाराष्ट्र एंड शिवम सहकारी बैंक कोल्हापुर महाराष्ट्र, ठीक है? ये हो गया कुछ बैंक्स के जो कैंसिल किए हैं आरआरबी ने लाइसेंस अभी अभी, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि जो अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था मेलबर्न में, उसमें मेन सिंगल किसने जीता, बिल्कुल रीसेंट का इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है? ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर इस तरीके से आपसे टाइम पूछा जाए, ऐसे आप याद रखिएगा, अफ वो, ठीक है? सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन का अगर टाइम पूछा जाए तो ये मिड जनवरी में होता है, ठीक है? फ्रेंच ओपन मई जून में होता है, विंबलडन ओपन होता है जून जुलाई में, और यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर में। इसे हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, इसे क्ले कोर्ट में खेला जाता है, इसे ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, और इसे भी हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है? दीज आर नोन एज मेजर्स फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट्स, ठीक है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। ये जो है अभी स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो इस ईयर में स्टार्ट हुआ है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है और इसका मेन सिंगल्स और विमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मेन सिंगल्स की अगर बात करेंगे तो मेन सिंगल्स जीता है नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं, एंड ही हैज डिफीटेड रशिया के डैनियल मेडवेडेव, ठीक है? विमेन सिंगल की अगर बात करें तो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, इन्होंने जीता है ये टाइटल, एंड शी हैज डिफीटेड अमेरिकाज जेनिफर ब्रेडी, ठीक है? तो ये दोनों टाइटल आपको याद रखना है। साथ ही अभी अभी कुछ दिनों पहले थाईलैंड ओपन भी हुआ था, तो वो कैरोलिना मैरिन ऑफ स्पेन इन विमेन्स सिंगल्स एंड विक्टर एलेक्सन ऑफ डेनमार्क इन मेन्स कैटेगरी, इन दोनों ने जीता था, ये आपको याद रखना है, ठीक है? थाईलैंड ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन फिलहाल आप याद रखिएगा। अभी अभी अमेरिका में ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनका टर्म आप याद रखिएगा कि जैसे जॉय बिडेन है तो वो 46th प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस जो है वो 49th वाइस प्रेसिडेंट है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेक्रेटरी कौन बने, तो एंटोनी करके हैं कुछ, 71st सेक्रेटरी है यूएस के, वो एंटोनी बने हैं, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो जीडीपी ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो -7.7 कहा गया है, और अगर 22 की बात करें तो +11, मतलब ग्रो करेगा 11% से, ये बोला गया है, ठीक है? और आरबीआई ने बोला था 10.5 फॉर 2021-22, ये आरबीआई का प्रेडिक्शन था, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं पद्म भूषण, हाँ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री की आज यहीं पर सेशन को एंड करेंगे। तो पद्मश्री अगर आपसे पूछा जाए तो पद्मश्री कितने लोगों को मिला है इस साल, 102 लोगों को, एंड पद्म भूषण 10 लोगों को, एंड पद्म विभूषण 7 को, ठीक है? पद्म भूषण 10 लोगों को और पद्म विभूषण 7 लोगों को। तो पूरे लोगों के नाम तो आपको याद करना नहीं है इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी पद्म विभूषण किसको किसको मिला है एक बार सुन लीजिए। सिंजो अबे को मिला है, एसपी बाला सुब्रमण्यम को मिला है, ठीक है, पोस्थमसली मिला है, और डॉक्टर बेले हेगड़े जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है उनको मिला है, श्री नपिंदर सिंह कल्पानी को मिला है, साइंस के कैटेगरी में है, और मौलाना वहीदुद्दीन, उसके बाद बीबी लाल जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं उस फील्ड में मिला है, और सुदर्शन साहू जिनको आर्ट की फील्ड में मिला है। तो ये हैं पद्म विभूषण के अवार्डीज, और पद्म भूषण पूरे 10 नेम हम नहीं याद रखेंगे, बट आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमको एक दो नाम तो बता दीजिए एटलीस्ट जो कि फेमस हैं या इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप बता सकते हो तरुण गोगोई, ठीक है, सुमित्रा महाजन, इन सब, ये सब पॉलिटिशियन ही हैं, ठीक है, तरुण गोगोई, सुमित्रा महाजन, राम विलास पासवान जिनको पोस्थ्यूमसली मिला है, ठीक है, फिर एक हैं कल्बे सादिक, इन्हें भी पोस्थ्यूमसली मिला है, ठीक है।
तो कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। तो इन अवार्ड्स के साथ ही ये सेशन को आज एंड करेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको ये सारे जो भी हमने टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं वो अच्छे से क्लियर होंगे और आपको सेशन पसंद आया होगा। सो दिस इज साबिर रुखसार साइनिंग ऑफ, एंड विद बिफोर साइनिंग जस्ट लेट्स गो थ्रू द मोटिवेशनल कोट। डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, ठीक है? आपको फ्यूचर डिसाइड नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी डेली की जो हैबिट होती है ना वो डिसाइड करनी होती है। डिसाइड योर हैबिट एंड योर हैबिट विल डिसाइड योर फ्यूचर। कहा जाता है ना कि सक्सेस लाइज इन द डेली रूटीन। आपका सक्सेस जो है वो आपके डेली रूटीन में छुपा है। अगर आप डेली रूटीन अपना सुधार लेंगे तो ऑटोमेटिकली डे बाई डे थिंग्स विल इम्प्रूव एंड आपको सक्सेस जो है वो मिल ही जाएगी। सो डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, डिसाइड योर हैबिट्स, ठीक है? डिसाइड योर रूटीन कि आप कैसे अच्छे से चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है। ओके, सो दिस इज साबिया रुखसार साइनिंग ऑफ। सी यू ऑल इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।